यूपी स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं कि किस तरह से आप रिन्यूअल स्कॉलरशिप फॉर्म जो है उसे ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। अगर आपको रिन्यूअल स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करना है तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आज की इस वीडियो में ए टू जेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है कि किस तरह से आपको अपना फॉर्म लॉगिन करना है, किस तरह से यहां पर आपको वेरिफिकेशन करना है, आधार ऑथेंटिकेशन करना है, सारी चीजें इस वीडियो में आपको मिलेंगी। बिल्कुल फाइनल प्रोसेस आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इसके साथ ही सबसे पहले आपको यूपी स्कॉलरशिप की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होता है, ठीक है। इस वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, वहां से आप इस वेबसाइट पर आ जाइए। यूजी पीजी किसी भी कोर्स के आप स्टूडेंट्स हैं, बीए बीएससी बीकॉम एमएससी एमकॉम के लिए, तो आपको अपना स्कॉलरशिप फॉर्म किस तरह से रिन्यूअल करना होता है, ठीक है। फ्रेश फॉर्म कैसे फिल करना है इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं कि आपको अपना रिन्यूअल फॉर्म कैसे फिल करना होता है। तो यहां पर आपको सबसे पहले स्टूडेंट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहां पर आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, रजिस्ट्रेशन, उसके बाद फ्रेश लॉग इन, उसके बाद रिन्यूअल लॉग इन, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन तो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फ्रेश फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा फ्रेश लॉगिन, जो फ्रेश फॉर्म फिल करेंगे वो फ्रेश लॉगिन में लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है आपका रिन्यूअल लॉगिन, ठीक है। तो रिन्यूअल लॉगिन पर जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपके बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे कि यहां पर आपको तीसरा ऑप्शन मिल जाता है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन, ठीक है। अगर आप यूजी पीजी डिप्लोमा, ठीक है, प्रोफेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं तो आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना रहता है। इसके बाद आपके सामने इस तरह से आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति सत्र 2023-24। सबसे पहले नवीनीकरण का ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद दसमोत्तर, पोस्ट मैट्रिक, इंटरमीडिएट, अदर देन इंटरमीडिएट। उसके बाद यहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देना है, उसके बाद यहां पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करना है जन्म तिथि बारे में, और नीचे अपना पासवर्ड वेरिफिकेशन में आपको अपना जो पासवर्ड है पिछले साल का वही पासवर्ड फिल कर देना है। इस कैप्चा कोड को आप यहां लिख देंगे, उसके बाद सबमिट पर आपको क्लिक करना रहता है। अगर किसी स्टूडेंट्स को अपना पासवर्ड नहीं पता है जो कि पिछले साल का पासवर्ड रहता है, तो यहां फॉरगोट फॉर पासवर्ड पोस्ट मैट्रिक इस पर क्लिक, हर पर क्लिक करेंगे। यहां नवीनीकरण का ऑप्शन है तो नवीनीकरण पर ही टिक लगा रहने देंगे। उसके बाद दसमोत्तर का ऑप्शन है तो दसमोत्तर वाले पर ही आप टिक लगा रहने देंगे। उसके बाद यहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन संख्या भरना होता है, नीचे आपको अपना यहां पर हाई स्कूल का बोर्ड वगैरह सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। इस तरह से जो भी बोर्ड का बोर्ड से आपने हाई स्कूल किया है उस बोर्ड को यहां सिलेक्ट कर लेंगे। ये प्रोसेस उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें अपना पासवर्ड नहीं पता है, बोर्ड आप हाई स्कूल कौन से ईयर में पास किया उसे आप यहां से सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे अपना रोल नंबर एंटर कर देंगे, हाई स्कूल रोल नंबर में यहां रोल नंबर लिख देंगे। ये जो कैप्चा कोड नीचे लिखा हुआ है इसे आप नीचे यहां फिल कर देंगे। पासवर्ड पुनः प्राप्त करें, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो पासवर्ड है वो यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जिसका आप चाहे तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, प्रिंट निकाल लीजिए या कहीं पर नोट करके आप रख लीजिए। उसके बाद बैक का बटन है, आप यहां बैक पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप बैक करते हैं तो आप यूपी स्कॉलरशिप की इस वेबसाइट पर दोबारा से वापस आ जाएंगे। उसके बाद आपको दोबारा से स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना रहता है, और दोबारा से आपको अपना जो फॉर्म है वो लॉगिन करना होगा, सेम टू सेम उसी तरह से जैसे कि पहले किया था आपने। रिन्यूअल लॉगिन पर क्लिक करेंगे, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट लॉगिन इस थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहां पर सबसे पहले आपको पता ही होता है नवीनीकरण का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि आप रिन्यूअल फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो उस पर आप टिक लगा रहने दीजिए। दूसरा ऑप्शन भी टिक लगा हुआ आ रहा है, उसके बाद आप अपना सारा रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड जो भी आपको मिला वो फिल कर देंगे, कैप्चा कोड फिल कर देंगे। सबमिट पर जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका जो फॉर्म है ये लॉगिन होकर आपके सामने आ जाएगा। यहां पर कई सारी स्टेप्स अलग अलग दी हुई रहती हैं। उसके बाद यहां थ्री लाइंस पर ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप यहां थ्री लाइंस पर क्लिक करेंगे तो यहां रजिस्ट्रेशन करें, ये चरण आपका कंप्लीट हो चुका है। दूसरा ऑप्शन आपका प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, तो अब आपको बस इसी सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना रहता है। रजिस्ट्रेशन आपका ऑलरेडी पिछले ईयर ही कंप्लीट हो चुका है, तो अभी ये सारे जो देख सकते होंगे आपको ग्रीन टिक लगे हुए नहीं आ रहे, ये सारे ऑप्शन आपको क्लियर करना है, सारी स्टेप्स को फॉलो करना है। तो ये सारे जिस तरह से रजिस्ट्रेशन करें में ग्रीन टिक है, इसी तरह से प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, इस पर आप क्लिक करेंगे, इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे तो इस पर भी ग्रीन टिक लगा हुआ आ जाएगा। सबसे पहले यहां पर कुछ आपकी पर्सनल डिटेल्स होगी, जैसे
चीजें, आपका नेम, ठीक है, आपकी डेट ऑफ वगैरह, जिसे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हाइड किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ दोनों जगह पर आपको क्या करना रहता है, अपना जो आधार नंबर है वो लिख देना रहता है। आधार नंबर लिखने के बाद आपको क्या करना रहता है, नीचे की साइड में ये जो आपको कैप्चा कोड पिन दिया गया कोड डालें, इसे आप यहाँ इस बॉक्स में लिख देंगे। बॉक्स में लिखने के बाद क्या करना रहता है, आपको वेरीफाई करना रहता है। वेरीफाई आधार पर जब आप क्लिक करेंगे आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा। आधार डेमोग्राफिक अपडेट ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है क्लिक हर फॉर आधार ओटीपी ऑथेंटिकेशन। अब आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना रहता है। इसके साथ ही आपको ध्यान देना है ये जो प्रोसेस है ये आपको 3 बार में ही कंप्लीट करना रहती है, ठीक है। तो आपको यहां पर देख सकते होंगे आपका नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी और ओटीपी कोड बने, इसके लिए आपको रिसेंड ओटीपी पर क्लिक करना रहता है। अगर आपको नहीं पता आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर किया हुआ, ऊपर की साइड में मोबाइल नंबर के जो 4 लास्ट के डिजिट हैं वो यहाँ पर लिखे हुए रहते हैं, जिसकी आप स्क्रीन पर देख भी सकते होंगे, ओटीपी हैज बीन सेंड टू मोबाइल नंबर, लास्ट के 4 डिजिट हैं, ठीक है। तो इस मोबाइल नंबर जो ऊपर जो ओटीपी भेजा गया है वो आपको ओटीपी कोड भरे यहाँ पर लिख देना और वेरीफाई आधार भाई मोबाइल ओटीपी, ठीक है, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना रहता है। ये जो प्रोसेस है एक बार फिर से आप सुन लें अच्छे तरीके से, 3 बार में ही ओटीपी भेजा जाता है, 3 बार से ज्यादा आपको प्रोसेस करने के लिए नहीं मिलेगी। तो आप 3 बार में ही इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लें, उसके बाद आपका जो आधार कार्ड है वो भी वेरीफाई हो जाता है। और प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, इसके आगे ग्रीन टिक लगा हुआ आ जाएगा। अभी वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम है इस वजह से यहाँ लिखा हुआ नहीं आ रहा है, लेकिन जो ऑप्शन है वो डिसेबल हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर होता है मोबाइल नंबर का सत्यापन, ठीक है। तो इस तरह से सारे स्टेप्स को फॉलो करना होता है मोबाइल नंबर का सत्यापन हेतु, ठीक है। अब आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना रहता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। इसमें यहाँ पर क्या होगा, आपकी पर्सनल डिटेल्स आपको देखने के लिए मिल जाएगी। नीचे यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है मोबाइल नंबर, इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, इस बॉक्स में टिक लगाना है, इस कैप्चा कोड को आप यहाँ पर लिख देंगे। अच्छे तरीके से सारी चीजें देख लीजिएगा, उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना रहता है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ ओटीपी डालें, इस वाले बॉक्स में लिख देंगे, इस कैप्चा कोड को आप यहाँ इस साइड में लिख देंगे, ठीक है, और सबमिट ओटीपी, ठीक है, इस वाले ग्रीन जो ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है सबमिट ओटीपी, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना रहता है। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद एनपीसीआई सत्यापन हेतु, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, इस पर आपको कुछ भी नहीं करना है, ये बैंक से ऑटोमेटिकली होता है। कई बार 1 दिन 2 दिन या 3 दिन तक का समय लग सकता है, लेकिन इससे आपको घबराना नहीं है। कई बार किसी किसी फॉर्म में ये तुरंत वेरीफाई हो जाता है, ठीक है, तो इससे आप घबराएं नहीं। इस सारी स्टेप्स आपको कंप्लीट करना है एनपीसीआई हेतु सत्यापन हेतु, इस पर आपको क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा, इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता। नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें, अब आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना रहता है, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है वो सारी एजुकेशन डिटेल्स ये देखने के लिए मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन के बाद ये सेकेंड ऑप्शन रहता है एजुकेशन डिटेल्स को फिल करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले आपको देखने के लिए मिला है पाठ्यक्रम का प्रकार, जो कि स्ववित्त पोषित या नियमित, ये 2 तरह का होता है। ये आपको अपने कॉलेज से पूछकर सिलेक्ट करना रहता है कि हमारा जो कोर्स है वो ससोवित्त पोषित है या फिर नियमित है, ठीक है। जो सेल्फ फाइनेंसिस कोर्सेज होते हैं वो ससोवित्त पोषित होते हैं, बाकी आप देख लीजिएगा प्राइवेट कॉलेजेस में भी जो कोर्स कराए जाते हैं वो सारे ससोवित्त पोषित में ही आते हैं। तो ये आपको अपने कॉलेज से पूछकर लिखना रहता है, यानी कि सिलेक्ट करना रहता है। उसके बाद आ जाता है आपका पाठ्यक्रम का नाम, उसके आगे आपको कोर्स का नाम देखने के लिए मिल जाएगा, जो भी आपका कोर्स होगा सेकंड नंबर पर वो कोर्स का नाम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसे आप यहाँ से सिलेक्ट भी कर लेंगे, जिस कॉलेज से आप पढ़ाई कर रहे हैं उस कॉलेज में जितने भी कोर्स होंगे वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आ जाता है आपका वर्तमान पाठ्यक्रम का ब्रांच, ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ठीक है, तीनों ऑप्शन ऑटोमेटिकली आपको फिल किए हुए मिल जाएंगे, क्योंकि आपका रिन्यूअल फॉर्म है, इसे आपको फिल भी नहीं करना होंगे। चौथा ऑप्शन आ जाता है आपका पाठ्यक्रम का वर्ष कौन सा है, यानी कि फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है या थर्ड ईयर है। फर्स्ट ईयर का तो आपको होगा नहीं रिन्यूअल फॉर्म, सेकंड ईयर होगा या फिर थर्ड ईयर होगा। तो ऊपर की साइड में आप दो दिन लिखे हुए देख रहे हैं, तो ये सेकंड ईयर का फॉर्म है, ठीक है। नीचे की साइड में आपको देखने के लिए मिला ये अवधि, 2 के नीचे दोबारा से 2 लिखे हुए हैं, उसका मतलब है कि ये जो कोर्स है ये 2 साल का, यानी कि ये पीजी का कोर्स होगा और ये फाइनल ईयर का कोर्स होगा, इस तरह से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये भी आपको सिलेक्ट करना नहीं है, बस ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हुआ आपको मिल जाएगा। पांचवा ऑप्शन आपका वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि, ये भी आपको ऑटोमेटिकली जो साल आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया होगा वो डेट यहाँ पर मिल जाएगी। अगला ऑप्शन है आपका पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश की तिथि, अभी आपने जिस ईयर में एडमिशन लिया, जिसकी सेकंड ईयर आपका या थर्ड ईयर है, ठीक है, तो उस ईयर में जिसमें आपने एडमिशन लिया उस ईयर को आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका विश्वविद्यालय बोर्ड एफिलेटिंग
एजेंसी में पंजीयन क्रमांक, यानी कि जो इनरोलमेंट नंबर होता है वो यहाँ पर आपको लिखना रहता है 7 नंबर में। इसके बाद अगला ऑप्शन 8 नंबर में आप देख पा रहे होंगे विश्वविद्यालय बोर्ड एफिलेटिंग एजेंसी का नाम, यानी कि यहाँ पर आपको अपनी यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो लिख देना होगा, यानी कि आपका कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है या अगर आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका जो नाम है वो यहाँ पर आपको लिख देना होगा, ठीक है। या कोई ऐसा बोर्ड है जो किसी बोर्ड से, या कोई आपका ऐसा कोर्स है जो किसी बोर्ड से संबंधित है तो उस बोर्ड को आप यहाँ पर लिख देंगे 8 नंबर में। उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है राशन कार्ड संख्या परिवार आईडी, ठीक है, तो अगर राशन कार्ड आपके पास है तो वो यहाँ पर आप लिख देंगे और ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं। उसके बाद नीचे आपको कैप्चा कोड देखने के लिए मिल रहा होगा, ठीक, इस कैप्चा कोड को आप यहाँ पर फिल कर देंगे, दिए गए कैप्चा कोड डालें, इसमें आप फिल करने के बाद इस बॉक्स में आप टिक लगा देंगे नीचे की साइड में बॉक्स में, उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना होता है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपकी स्टेप्स कंप्लीट हो जाएगी और आप अगले स्टेप्स शुल्क संबंधित विवरण में पहुंच जाएंगे। शुल्क संबंधित विवरण में आपको बस केवल अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल फीस जो है वो फिल करना होती है, ये आप अपने आप से बिल्कुल फिल ना करें क्योंकि ये कोर्स में जमा की गई फीस नहीं होती है, ये अलग फीस होती है, इसलिए आप अपने कॉलेज क्लास टीचर या प्रिंसिपल से पूछकर ही इस फीस को फिल करें। इस फीस को आप यहाँ फिल कर दें, वार्षिक अनुमोदित नॉन रिफंडेबल फीस कॉलेज में आप पूछ लें कि हमारे कोर्स की नॉन रिफंडेबल फीस कितनी है, वो बता देंगे कॉलेज वाले आपको, उसे आप यहाँ फिल कर दीजिए। उसके बाद ये जो कैप्चर कोड है इसे आप यहाँ पर फिल कर देंगे बॉक्स के अंदर, उसके बाद इस बॉक्स के अंदर एक बार आप टिक लगा देंगे, उसके बाद आपके सामने अपडेट का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ही आप अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप नेक्स्ट स्टेज में पहुंच जाते हैं जिसमें आपको प्रीवियस ईयर की जो डिटेल्स है वो फिल करना रहती है। इसमें आपको सबसे पहले गत वर्ष का जो परीक्षा फल फिल करना है, सिलेक्ट करना है आप पास हैं या फेल हैं। सेकंड ऑप्शन है आपका गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली, वार्षिक आपके एग्जाम होते हैं या सेमेस्टर एग्जाम होते हैं उसे आपको यहां से फिल कर लेना है। थर्ड ऑप्शन आपका गत वर्ष की अंक प्रणाली, आपको रिजल्ट में मार्क्स मिलते हैं या फिर ग्रेड मिलता है उसे आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद चौथा ऑप्शन आपका, इसे आपको फिल नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली कॉलेज की तरफ से फिल कर दिया जाता है। पांचवा ऑप्शन आपका गत वर्ष का प्राप्तांक, पिछले साल आपको कितने मार्क्स मिले थे, कितने अंक आए थे रिजल्ट में, वो यहाँ अंक यहाँ पर आपको फिल करना है, ठीक है, जितने नंबर आपके आए थे। और अगला ऑप्शन आपका गत वर्ष का प्राप्तांक, यानी कि आपका जो रिजल्ट था वो टोटल कितने नंबरों का था, वो टोटल नंबर यहाँ पर आपको लिख देना रहता है। उसके बाद आपका ऑप्शन प्रतिशत का, गत वर्ष का प्रतिशत कितना हुआ, ये आपको फिल नहीं करना है, ये अपने आप से फिल होकर आ जाएगा। अगला ऑप्शन आपका है शिक्षण संस्थान का नाम, आपने पिछला क्लास जो पास किया है सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर जो भी, उस कॉलेज का नाम क्या है, कॉलेज का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे शिक्षण संस्थान के नाम में। उसके बाद आपको मिल जाता है कैप्चा कोड, इस कैप्चा कोड को आप इस बॉक्स में फिल कर देंगे। उसके बाद ये जो छोटा वाला बॉक्स मिल रहा है इसमें आप एक बार टिक लगा देंगे और उसके बाद आप अपडेट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से देखने के लिए मिल जाएगा, आपका आवेदन सफलतापूर्वक संशोधित हो चुका है, अगला चरण जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें। इसके बाद आपको यहाँ होम वाले बटन पर क्लिक करना है, जिससे आप इस बटन पर क्लिक करेंगे आप इस पेज पर आ जाएंगे अपने स्कॉलरशिप के पेज पर। यहाँ सारे टिक ग्रीन हो चुके हैं जिसके आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे। इसके बाद आप जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, आपको एक ऑप्शन में यहाँ पर मिल रहा है लास्ट वाला, जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, ठीक है। फोटो वगैरह आपका ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा जो कि आपके आधार कार्ड में रहता है या फिर जो आपने पिछले ईयर में अपलोड किया होगा वही फोटो यहां पर आ जाएगा। जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, बस इसी वाले बटन पर आपको क्लिक करना रहता है और जैसे ही आप इस वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका जो फॉर्म है कुछ इस तरह से ओपन होकर आपके सामने आ जाता है और यहाँ पर आपको इस फॉर्म को प्रिंट कर लेना है और एक बार इसे कॉलेज में जरूर चेक करवा लें, क्योंकि अगर आप फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद आपको करेक्शन ऑनलाइन करेक्शन करने का जो मौका है वो नहीं मिल पाएगा, जब डेट आएगी तभी आपका जो करेक्शन है वो हो पाएगा। इसका प्रिंट निकालने के बाद आप यहाँ बैक वाले बटन पर क्लिक करेंगे, बैक आ जाएंगे और अपने कॉलेज से फॉर्म को चेक करवा लीजिए, पूरा फॉर्म अगर सही है तो सही है और अगर कुछ मिस्टेक है तो दोबारा से जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें के अलावा एक ऑप्शन आपको मिलता है नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें, दोबारा से उसे संशोधित कर लीजिए उसी ऑप्शन से जिससे आपने फॉर्म को फिल किया था, ठीक है। उसके बाद यहां पर नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जांच के उपरांत आवेदन पत्र को सबमिट करें, ठीक है। जैसे आप इस वाले बटन पर क्लिक करते हैं जांच के उपरांत आवेदन पत्र को सबमिट करें तो आपका जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो जाता है, ठीक है। जैसे ही आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा उसके कुछ ही देर के बाद आप अपने फॉर्म का जो फाइनल प्रिंट आउट है वो डाउनलोड कर सकते हैं और ये सारी स्टेप्स जो आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे, एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, इनकम सर्टिफिकेट, ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाएंगे। इस फॉर्म को आप कॉलेज में ले जाकर जमा कर देंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।